नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग जो है पिछले वीडियो में मुहावरा को पढ़ रहे थे, यानी कि दोस्तों अब जो है दोस्तों आप लोग का जो है सभी मुहावरा जो है समाप्त हो गया है, यानी कि दोस्तों आप लोग जो है सभी मुहावरा को याद कर लिए हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है दोस्तों कहावतें या फिर लोकोक्तियाँ जो है पढ़ने वाले हैं, यानी कि दोस्तों आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है 60 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, और आप लोग का जो होमवर्क ये है कि इस वीडियो में बताए गए सभी 60 क्वेश्चन को याद कर लेना है और शाम 7 बजे आप लोग का जो है परफॉर्मेंस शानदार होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या होता है। दोस्तों अगर आप जो है कोई भी क्वेश्चन का पहले से आंसर जानते हैं तो दोस्तों आप लोग जो है उसका आंसर जो है गेस कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसी करनी वैसी भरने का अर्थ होता है दोस्तों कार्ड्स के अनुसार जो है परिणाम मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, कार्ड्स के अनुसार परिणाम मिलता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें कह रहा दोस्तों, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका जो है दोस्तों अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका जो है दोस्तों अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक कंजूस होना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, जब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका जो है दोस्तों अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो है अर्थ होता है समय पर काम न करने के बाद मतलब कि पछताना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, छछुंदर के सर में चमेली का तेल, इसका जो है दोस्तों अर्थ क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, अयोग्य व्यक्ति को जो है अच्छा पद मिलना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, मांगे भीख गांव की जमा का अर्थ क्या होता है। मांगे भीख गांव की जमा, तो दोस्तों इसका जो है अर्थ होता है दोस्तों अपनी असलियत भूलकर बात करना, अपनी असलियत भूलकर जो है मतलब भूलकर जो है बात करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट का क्या अर्थ होता है। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों तालमेल ना होना। क्या होता है दोस्तों अर्थ, तालमेल ना होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करा दोस्तों, अपनी डफली अपना राग का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ऑप्शन नंबर डी, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा दोस्तों, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका जो है दोस्तों अर्थ क्या होता है। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा असंगत बातें करना, असंगत बातें करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, जाके पाँव न फटे बिबाई सो क्या जाने पीर पड़ाई, का जो है दोस्तों अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है जिसके ऊपर विपत्ति है वही जानता है, विपत्ति होगा यहाँ पे, विपत्ति होगा, विपत्ति। ओके, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, जस दुल्हा तस बनी बारात का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वह होता है सभी साथी एक ही जैसे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सभी साथी एक ही जैसे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, आडंबर, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्तियां क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों उचित दुकान फीका पकवान का अर्थ होता है दोस्तों आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ भी नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, चोर चोर डैश भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चोर चोर मसूरे भाई, मसूरे भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें करा दोस्तों ऊंट के मुंह में डैश, तो दोस्तों ऊंट के मुंह में जीरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊंट के मुंह में जीरा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो दोस्तों सावन के अंधे को जो है दोस्तों हरा ही हरा नजर आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सावन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, कर डैश तो हो भला, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा, कर भला तो हो भला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, अंधों में डैश राजा, अंधों में डैश राजा, तो दोस्तों सही आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंधों में काना राजा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, घर का बेदी डैश ढाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घर का बेदी लंका ढाए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, नाच ना जाने डैश टेढ़ा, आंगन टेढ़ा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंगन टेढ़ा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का क्या अर्थ होता है, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ओछे लोग जो है मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, तीन दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों इसका जो है अर्थ होता है दोस्तों वह होता है अतिथि थोड़े दिन के लिए ही अच्छा होता है, अतिथि होगा यहाँ पे, अतिथि जो है वह थोड़े दिन के लिए ही अच्छा होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधजल गगड़ी डैश जाए छलकत जाए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छलकत जाए। इसमें करा दोस्तों, डैश धतुड़े सो कहत गहनो गढ़ो न जात, इसका जो है दोस्तों खाली स्थान पे क्या हो जाएगा, तो दोस्तों खाली स्थान पे हो जाएगा कनक, कनक धतुड़े सो कहत गहनो गढ़ो न जाए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, तबेली की बला बंदर के सिर का क्या अर्थ होता है, तबेली की बला बंदर के सिर, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों किसी का अपराध दूसरे के सिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, एक और एक 11 होते हैं इसका अर्थ क्या होता है, दोस्तों इसका जो अर्थ होता है दोस्तों संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगठन में शक्ति है। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है इसका जो है दोस्तों अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर इसका जो है दोस्तों अर्थ क्या होता है,
तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अनपढ़ होना, ऑप्शन नंबर सी अनपढ़ होना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है दोस्तों, गए थे रोजा छुड़ाने नवाज गले पड़ी, इसका जो है दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा। गए थे रोजा छुड़ाने नवाज गले पड़ी, इसका अर्थ क्या होता है। उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, गंगा गए गंगा दास जमुना नए गए जमुना दास का अर्थ क्या होता है। गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों आकाश पताल का अंतर होना, आकाश पताल का अंतर होना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, काठ की हाँड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, टूट चाप नाही जुड़े रिसाने का अर्थ क्या होता है। टूट चाप नाही जुड़े रिसाने का अर्थ, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों, नुकसान हो जाने पर क्रोध अपना सॉरी क्रोध करना व्यर्थ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसका जो है दोस्तों आंसर बताइएगा, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, अंधा पावे आंखें टो पतियात का अर्थ क्या होता है। अंधा पावे आंखें टो पतियात का अर्थ क्या होता है। इसका जो है दोस्तों अर्थ होता है अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, उधो का लेना माधो को देना का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अपने काम से काम रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने काम से काम रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना परे के लिए जो है सही, मतलब जो है कहावतें क्या हैं। उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े उसके लिए जो है दोस्तों सही कहावतें क्या हैं। तो दोस्तों जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, इसमें कह रहा है दोस्तों, यह प्रेम का पथ करल महा के लिए जो है सही कहावतें क्या हैं। यह प्रेम का पथ करल महा के लिए जो है सही कहावतें क्या हैं। तो दोस्तों इसका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरवार की धार पे धावनो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, तरवार की धार पे धावनो है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, इसमें करा तो दोस्तों, राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ क्या होता है। राम राम जपना पराया माल अपना, तो दोस्तों इसका जो है अर्थ होता है दोस्तों, धोखे से धन जमा करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों,
फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, मजबूरी में काम करना, मजबूरी में काम का काम करना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, नीम हकीम खतरे का जान का अर्थ क्या होता है? नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्प विद्या भयंकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, इसमें कह रहा है दोस्तों, सौ सयाने एक मत का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका जो है अर्थ होता है दोस्तों, वह होता है बुद्धिमान के विचार एक से एक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा दोस्तों, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है झूठा दिखावा करना, ऑप्शन नंबर बी झूठा दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा दोस्तों, गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या होता है? गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या होता है? इसमें कह रहा दोस्तों, गुरु गुर चेला चीनी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो है अर्थ होता है अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है गुण के विपरीत नाम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुण के विपरीत नाम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, इसमें कह रहा दोस्तों, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसका जो है अर्थ होता है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से एक कहावतें हैं उसका जो है चयन कीजिए, उसका जो है दोस्तों चयन करना है आप लोगों को। तो दोस्तों एक पन दो काज, यह जो है दोस्तों कहावतें हैं, और बाकी जो भी दिया हुआ है दोस्तों वह जो है सभी मुहावरा हैं। क्या है दोस्तों? मुहावरा हैं, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होता है? दोहरा लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, दोहरा लाभ होना। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसका जो है अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, आ बैल मुझे मार, इसका जो है अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी, तो दोस्तों इसका जो है अर्थ होता है वह होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या होता है? आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या होता है? चलिए तो इसका जो है दोस्तों अर्थ होता है वह होता है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। सही बात है दोस्तों, बुरा आदमी जो है सबको बुरा कर मतलब जो है कहता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो है अर्थ होता है रूह पहचानना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, रूह पहचानना जो है इसका अर्थ होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है,
अधजल गगड़ी छलकत जाए, इसका जो है दोस्तों अर्थ क्या होता है? चलिए दोस्तों, तो इसका जो है दोस्तों अर्थ होता है अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगना का क्या अर्थ होता है? इसका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपात्र को सफलता मिल जाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, घर का जोगी जोगड़ा आन आन गांव का सिद्ध का अर्थ क्या होता है? घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका जो है दोस्तों अर्थ क्या होता है? घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका जो है दोस्तों अर्थ क्या होता है? कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम का बुराई मिलना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुरे काम का फल जो है बुरा ही मिलता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो है अर्थ होता है, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, आगे नाथ ना पीछे पगहा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों बंधन रहित होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, तीन लोक से मथुरा न्याय का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो है अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, खग जाने खग ही की भाषा, इसका अर्थ क्या होता है? खग जाने खग ही की भाषा, तो दोस्तों इसका जो है अर्थ होता है समान प्रवृत्ति, मतलब कि समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सहारते हैं या फिर समझते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का यह क्लास जो है बहुत ही शानदार लगा होगा। तो आप लोग का जो है दोस्तों शाम में 7 बजे भी जो है परफॉर्मेंस शानदार ही होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आप लोग को जो है 100% जो है सही आंसर करना होगा आज शाम 7 बजे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से आज शाम 7 बजे। जय हिंद दोस्तों।